हाय एवरीवन, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं डिजिलाइज। यहां आपको मिलेगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, ट्रिक्स, ट्रेनिंग्स और बिजनेस केस स्टडीज। आज हम डिस्कस करेंगे वॉलमार्ट की कंप्लीट केस स्टडी, जिसमें देखेंगे कि वॉलमार्ट की शुरुआत कहां से हुई, विजन और मिशन क्या थे, वॉलमार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स, और लास्ट में बहुत से लर्निंग्स डिस्कस करेंगे जिसको यूज करके जेफ बेजोस ने भी अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी को एस्टेब्लिश किया। तो बात है 29 मार्च 1918 की, जब वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन का जन्म हुआ। क्योंकि उनका जन्म एक ऑर्डिनरी फैमिली में हुआ था, तो अपने चाइल्डहुड में वे मैगजीन सब्सक्रिप्शन और न्यूज़पेपर सेल करके जो पैसा मिलता था उनको, वो अपने फैमिली के खर्चे में कंट्रीब्यूट करते थे। और यही सब करते करते उनको मनी की वैल्यू और इम्पोर्टेंस समझ आ गई थी। सैम अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद पढ़ना चाहते थे आगे, बट पैसों की कमी की वजह से उन्होंने जॉब करना जरूरी समझा और फिर उन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जॉब शुरू कर दी जेसी पेनी स्टोर में। 1943 में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी की और आर्मी में अपनी सेवाएं देने चले गए। जब वे आर्मी से आए तो उनको अपना एक रिटेल स्टोर ओपन करना था। सैम ने एक रिटेल स्टोर शुरू किया बेन फ्रैंकलिन फ्रेंचाइजी परचेज करते हुए। वे इतना एक्साइटेड थे कि फ्रेंचाइजी का बिना हाई रेंट देके ही एग्रीमेंट साइन कर दी। वे कुछ दिन डिप्रेस रहे, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे अब पीछे नहीं हटेंगे और इस पर मेहनत करेंगे, और देखते ही देखते लॉस मेकिंग फ्रेंचाइजी को प्रॉफिट मेकिंग बना दिया। इसी बीच सैम वॉल्टन ने एक और गलती की, उनके एग्रीमेंट साइन करते वक्त फ्रेंचाइज के रिन्यूअल का कोई एग्रीमेंट नहीं था। ना चाहते हुए भी उनको वो फ्रेंचाइज हैंडओवर करनी पड़ी बेन फ्रैंकलिन को। उसके बाद 1950 में सैम वॉल्टन ने बेंटनविले आर्कनसा में अपना पहला वॉलमार्ट रिटेल स्टोर ओपन किया। सैम ने अपने प्रॉफिट को फिर से बिजनेस में लगाते हुए 1967 तक 24 स्टोर्स ओपन कर दिए। उनकी मेहनत और लगन से 10 साल से भी कम समय में 24 स्टोर्स से 124 स्टोर्स हो गए, जिसकी एनुअल सेल $340 बिलियन हो चुकी थी। क्या आप जानते हैं कि जेफ बेजोस और बिल गेट्स से पहले सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन थे? जी हाँ, सैम वॉल्टन ही थे। 1982 से 1992 तक वे रिचेस्ट पर्सन रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड फोर्ब्स के हिसाब से। वॉलमार्ट का पहला इंटरनेशनल स्टोर मेक्सिको में ओपन हुआ, और अगर देखा जाए तो वॉलमार्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेल स्टोर है, जिसके पास 11,700 हाइपरमार्केट्स, डिस्काउंटेड डिपार्टमेंटल और ग्रोसरी स्टोर है 28 कंट्रीज में। अब डिस्कस करेंगे विजन और मिशन के बारे में। पहले विजन के बारे में बात करते हैं। Be the destination for the customer to save money, no matter how they want to shop. Walmart का intention बिल्कुल clear है कि वे एक ऐसा destination बनना चाहते हैं अपने customers के लिए, जहां वे कुछ भी shop करें उनका money save होना चाहिए। इनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि customer किस medium से shopping कर रहे हैं। अब देखते हैं mission to save people money so they can live better. वॉलमार्ट वही एक्शन लेगा जिनसे इनके कस्टमर्स मनी सेव कर पाए और उनकी लाइफ में अच्छे से जी सके। अब देखते हैं बिजनेस मॉडल क्या है वॉलमार्ट का। जैसा कि हमने विजन और मिशन में देखा कि वॉलमार्ट अपने कस्टमर के मनी को सेव करना चाहते हैं, तो इससे वॉलमार्ट के बिजनेस मॉडल निकल के आता है एवरीडे लो वैल्यू। वॉलमार्ट अपने स्टोर्स पर आपको जितनी हो सके उतने कम में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको कहीं और से परचेज करने का ख्याल भी ना आए। सैम वॉल्टन ऐसा सोचते हैं कि अगर वे अपने मार्जिन को कम करके कस्टमर को प्रॉफिट प्रोवाइड कर दें तो उनको सक्सेस मिल सकती है। इसलिए आज वॉलमार्ट बल्क में प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ताकि पर प्रोडक्ट कॉस्ट उनको कम आए और उनके कस्टमर को ज्यादा फायदा मिल सके। एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। सपोज आपको एक पेन की रिक्वायरमेंट है जो 10 रुपीज का है, और कोई ऑर्डिनरी रिटेलर से अगर आप वो पेन परचेज करते हैं तो आपको 10 रुपीज का ही मिलेगा, और मान के चलते हैं कि रिटेलर को वो पेन 7 रुपीज में मिल रहा है अपने होलसेलर से, जिसमें रिटेलर का मार्जिन 3 रुपीज हुआ। बट अगर बात करें वॉलमार्ट की, तो पहले ये ऑब्जर्व और रिसर्च करेंगे कि क्या ये पेन मार्केट में पॉपुलर है या नहीं। अगर पेन पॉपुलर हुआ तो ये एक ऐसा वेंडर सर्च करते हैं जो इनको कम से कम में पेन प्रोवाइड कर सके, कुछ 5 रुपीज पर पेन। जैसे ही उनको एक ऐसा वेंडर मिल जाता है तो फिर वे बल्क में प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम 1 मिलियन पेन। अब इतने पेन लेने की वजह से कॉस्ट और भी रिड्यूस हो जाती है, मान के चलिए कुछ 4 रुपीज पर पेन। फिर अगर वे अपने स्टोर में उस पेन को सेल करते हैं 8 रुपीज में, तो उनको 50% का प्रॉफिट मिलता है हर एक पेन पर, और कस्टमर भी वही 10 रुपीज वाले पेन हैप्पीली 8 रुपीज में परचेज कर लेते हैं, और इसी को कहते हैं विन विन कंडीशन। जैसा कि हम जानते हैं कि वॉलमार्ट ने हाल ही में फ्लिपकार्ट को परचेज कर लिया है, और इसी से एक और बिजनेस मॉडल निकल के आता है। वॉलमार्ट फ्यूचर का सोचते हुए स्मॉल इमर्जिंग कंपनीज को एक्वायर कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें ईयर 1978 की, तब वॉलमार्ट ने IPO लॉन्च करके 14+ कंपनीज को एक्वायर कर लिया था। वॉलमार्ट अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। अगर देखें प्रोडक्ट्स में तो इंक्लूडेड है ग्रोसरी, ईटेबल्स, मेडिसिन और कुछ हाउसहोल्ड आइटम्स। सर्विसेज की बात करें तो हेल्थ केयर,
मनी ट्रांसफर, क्लिनिक्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा ऑफर करते हैं। तो ये थे कुछ बिजनेस मॉडल वॉलमार्ट के, होप यू लाइक इट। चलिए अब कुछ अमेजिंग फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। हमें ये तो पता है कि वॉलमार्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेल स्टोर है, बट क्या ये जानते हैं कि वॉलमार्ट में वर्ल्ड वाइड 2.3 मिलियन वर्कर्स वर्क करते हैं, जो कनाडा की पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा है। बारकोड तो आपने देखा ही होगा। जी हाँ, ये भी वॉलमार्ट ने ही इन्वेंट किया था अपनी इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए। सबसे ज्यादा सेल होने वाला आइटम जानते हैं वॉलमार्ट का? बनाना। जी हाँ, हर साल बिलियन पाउंड ऑफ बनाना सेल करता है वॉलमार्ट। क्या वॉलमार्ट का नेम सब कंट्रीज में एक ही लिया जाता है? जी नहीं, आपको बता दें कि वॉलमार्ट के 60 से भी ज्यादा नेम्स वर्ल्ड वाइड लिए जाते हैं, जिसमें यूएस और कनाडा में स्ट्रिक्टली ओरिजिनल नेम वॉलमार्ट ही यूज में लिया जाता है, बट यूनाइटेड किंगडम में ASDA एसडा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह सेयू ग्रुप जापान में, बेस्ट प्राइस इंडिया में, ट्रस्ट मार्ट चाइना में और सुपरामा मेक्सिको के कुछ पार्ट्स में, बट लोगो सब जगह सेम ही रहता है जिससे उनके कस्टमर्स कंफ्यूज ना हो जाएं। हिलरी क्लिंटन जो कि फर्स्ट लेडी रह चुके हैं अमेरिका के, वे भी मेंबर थे 6 इयर्स तक वॉलमार्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। आज वर्ल्ड की सेकंड रिचेस्ट वुमेन भी सैम वॉल्टन की डॉटर एलिस वॉल्टन ही है, जिनकी वर्थ $50.2 बिलियन है, और वॉल्टन फैमिली आज भी 50% शेयर ओन कर रहे हैं कंपनी का। वॉलमार्ट के सिक्योरिटी रिपोर्ट से पता चला है कि एवरी ईयर अप्रोक्स $1 बिलियन की चोरी हो जाती है वर्ल्ड वाइड। 1 बिलियन से याद आया, अगर सब स्टोर्स को कवर कर ले तो वॉलमार्ट के पास 1 बिलियन स्क्वायर फीट से भी ज्यादा लैंड है। वॉलमार्ट वर्ल्ड का 24th वैल्यूएबल ब्रांड है, और 2010 में वॉलमार्ट ने वुडू परचेस किया था $100 मिलियन में, जो स्मार्ट टीवी में यूज लिया जाता है। लास्ट फैक्ट आपको शॉक कर देगा कि इतनी बड़ी कंपनी के ओनर सैम वॉल्टन ने कभी कोई चैरिटी नहीं की। इस पर उनका कहना है कि वे जो भी कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए उतना इनफ है। वीडियो को आप और ध्यान से देखें। अब हम बहुत सारी लर्निंग्स डिस्कस करेंगे जो कि आप अपने बिजनेस में अप्लाई करके कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, सैम वॉल्टन रिचेस्ट पर्सन थे बिल गेट्स से पहले। अब इतने रिच होने के बाद भी वे सिंपल क्लोथ्स ही पहनते थे और वॉलमार्ट की कैप लगाया करते थे। वे ऐसा करते थे क्योंकि उनको मनी की वैल्यू अच्छे से पता थी। हमको भी अपनी लाइफ में मनी की वैल्यू करनी चाहिए और हम्बल रहना चाहिए। सैम वॉल्टन की मदर ने उनको टॉप पर ही रहना सिखाया। वे अपने लाइफ में भी खुद को टॉप पर ही रखते थे, चाहे वो कोई गेम हो या फिर बिजनेस। पहला है गुड पीपल स्किल एंड टीम वर्क। सैम वॉल्टन अपने टीम वर्क और पीपल स्किल में ज्यादा बिलीव करते थे। ब्रेक रूल्स बट क्रिएट रिजल्ट। वॉल्टन को मार्केट डिस्ट्रॉय करना और बेस्ट बने रहना पसंद था, और इसके लिए वे रूल्स भी ब्रेक किया करते थे अपने रिजल्ट्स के लिए। बिग विजन एक्सपेक्टेशन हाई। अपनी लाइफ की शुरुआत से ही वॉल्टन ने अपना विजन बड़ा रखा और एक्सपेक्टेशन भी हाई थी। बुक रीडिंग इज नेसेसरी। वे बुक्स पढ़ते थे और इसी वजह से वे इतने सक्सेसफुल बने। फोकस ऑन विन। वे कहते थे कि हमेशा जीतने पर ध्यान रखो, जहां हमारा ध्यान रहता है वहीं हमको पहले मिलता है। हार्ड वर्क प्लस एक्सपेरिमेंट इक्वल्स टू सक्सेस। सैम वॉल्टन हार्ड वर्क के साथ बहुत से नए नए एक्सपेरिमेंट भी किया करते थे, इसलिए उन्होंने नए तरीके फाइंड आउट किए सक्सेस के। बी अवेयर एंड केयरफुल बिफोर कमिटमेंट्स। जैसा कि हमने देखा कि सैम ने बहुत सी मिस्टेक्स भी की थी, इसलिए वे कहते हैं कि कोई भी कमिटमेंट से पहले ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेवर क्विट। कैसे भी कंडीशन हो, क्विट नहीं करना चाहिए, एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए, ऐसा सैम वॉल्टन कहते हैं। ऑलवेज टू स्टैंड व्हाटएवर द सिचुएशन इज। अगर लाइफ या बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनको फेस करके ही आगे बढ़ना चाहिए। लर्न एक्सपेरिमेंट फोकस टू विन बिजनेस। वॉल्टन कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरना, सक्सेस मिले चाहे ना मिले, ये जरूर पता चल जाएगा कि आपको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है या नहीं। बी सेल्फ सफिशिएंट बट नेवर सेटिस्फाइड। वॉल्टन कहते हैं हमारे पास सब कुछ होना तो चाहिए, बट वर्क को लेकर कभी सेटिस्फाइड नहीं होना है। ऑलवेज लर्निंग मोड ऑन। अगर वॉलमार्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोर है तो उसके पीछे सैम वॉल्टन की कंटिन्यूस लर्निंग का हाथ है। ध्यान रखें, अर्निंग के लिए लर्निंग जरूरी है। नॉट फर्स्ट बट नॉट लास्ट। हो सकता है कि आप फर्स्ट मूवर नहीं है, बट ये ध्यान रखें कि आप लास्ट मूवर ही ना रह जाए। एक्शन एंड अप्लाई व्हाट यू नो। जैसा कि हमने देखा था अमेज़न की केस स्टडी में, जेफ बेजोस कहते हैं इन्फॉर्मेशन के 100% होने का वेट करने से अच्छा अगर इन्फॉर्मेशन 70% भी है तो वर्क स्टार्ट कर दीजिए। तो ये लेसन भी जेफ बेजोस ने सैम वॉल्टन से ही सीखा था। एक्सपांड विद ग्रेट पार्टनर्स। सैम कहते हैं अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो अपने पार्टनर्स को वाइजली चूज करें। तो ये थे 15 इम्पोर्टेंट और यूजफुल लेसन्स जो हमने सीखे सैम वॉल्टन से। अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट लेसन्स जानने हैं तो आप डिजिलाइज के ब्लॉग सेक्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आई होप कि आप अपने लाइफ या बिजनेस में इनको जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी के साथ ये पावरफुल और इंस्पिरेशनल केस स्टडी यहीं खत्म होती है। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है केस स्टडी को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
लाइक करें ये वीडियो अगर आपकी लाइफ में वॉलमार्ट से सीखी लर्निंग से कुछ वैल्यू एड हुई है। शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स और एम्प्लॉयज के साथ ताकि वॉलमार्ट से मिले लर्निंग्स उन तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करें इस चैनल को जहां आपको वीकली बेसिस पे इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल ब्रांड्स की केस स्टडी मिलती है जिसको आप यूज करके बिजनेस में जेकर लेके आ सकते हैं। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू।